अगर वो बात, वो क्वेश्चन, वो टॉपिक आपके पास है तो फिर दुनिया के 99% लोग आपके क्या करते रह जाएंगे, काम करते रह जाएंगे। बेटा वो आपके क्या करते रह जाएंगे, वो आपके क्या बन जाएंगे, मुलाजिम। वो आपके क्या बन जाएंगे, वो टॉपिक, वो बात क्या है जिसके लिए आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, इंसान की ज़िंदगी का क्या मकसद है, उस मालिक कायनात ने हमें इस दुनिया में क्यों भेजा है, इस दुनिया में हमारा आने का क्या मकसद है। आपने मुझे बताना है आपकी लाइफ किस कहानी में आती है, पहली में या दूसरी में। मेरे भाई आपकी लाइफ किस कहानी में आती है, दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 3 सवाल सबसे अहम सवाल हैं। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए पैदा हुआ हूँ, वो कौन सा काम है जिसको करके मैंने इस दुनिया से जाना है, वो काम, वो पर्पज़, वो एम आपने तलाश करना है कि इस दुनिया में मेरा आने का क्या मकसद है। अगर भाई वो मकसद आप तलाश कर लेते हैं, अगर वो काम आप तलाश कर लेते हैं, फिर दुनिया के 99% लोग आपके क्या करते रह जाएंगे, आपके क्या करते रह जाएंगे, वो आपके काम करते रह जाएंगे और आपके क्या बन जाएंगे, मुलाजिम। वो आपके क्या बन जाएंगे। बेटा अपनी वालदा को मुस्कुरा कर देखें। अब हदीस पाक में आता है जो अपनी वालदा को मुस्कुरा कर देखता है उसको मकबूल हज का सवाब मिलता है। बेटा मुझे ये बताना है, आपने आपके माइंड में लिखा नज़र आ रहा है माँ या उनकी तस्वीर नज़र आ रही है, उनकी पिक्चर नज़र आ रही है, यानी कि हमारा माइंड तस्वीरों में सोचता है, हमारा माइंड तस्वीरों में सोचता है। बेटा आज उस मालिक से दुआ करें, बरतला हर एक चीज़ का मकसद है, मेरा इस दुनिया में आने का क्या मकसद है, क्या खाना पीना सो जाना मेरा मकसद है, ये काम तो जानवर भी कर रहे हैं, फिर मुझ में और जानवर में क्या फ़र्क हुआ। ऐ बरतला मुझे एक मकसद दे दे, एक मुझे पर्पस दे दे। बेटा एक तस्वीर बनाएँ, शायद वो तस्वीर किसी ने बनाई हो। बेटा ये जो चीज़ आपने सोची है इसको जाकर आज अपनी पर्सनल डायरी में लिख लेना है, आपने इसको सोचा करना है, इमेजिन किया करना है, प्रॉमिस इमेजिन किया करना है, सोचा करना है, नई चीज़ें सोचा करनी है, इमेजिन बार बार कह रहा हूँ, इमेजिन नई चीज़ें सोचा करनी है, इसको पर्सनल डायरी में लिख लें, जब आपको टाइम मिला करे आपने सोचा करना है। क्या लाइफ में मकसद होना चाहिए, लाइफ में टारगेट होना चाहिए, इमेजिन आपने ये करना है। फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, मैंने कहा भाई आपकी लाइफ का कोई मकसद है, कहता सर कोई ना। अगर आपसे कोई पूछे भाई क्या आपकी लाइफ का कोई मकसद है, आपने दिल में कह दिया जब तक टूटेगा नहीं।